आज हम अपने इस वीडियो में बात करेंगे संजय पांडे की। जी हाँ, संजय पांडे और उनकी बेटी, जी हाँ उनकी बेटी रुनझुन पांडे की स्पेशल बॉन्डिंग के बारे में। संजय पांडे बताते हैं कि उनकी बेटी को जरा भी अच्छा नहीं लगता कि पर्दे पर उनको कोई हीरो मार रहा है। एक बार तो रुनझुन पांडे ने संजय पांडे से कहा कि आप निरहुआ अंकल और पवन और खेसारी अंकल सभी को घर पर बुलाइए। तो उन्होंने बोला क्यों, तो रुनझुन पांडे ने कहा कि वो उन्हें मारेंगी। तब रुनझुन पांडे काफी छोटी थी, अब रुनझुन पांडे काफी बड़ी हो गई हैं, समझदार हो गई हैं। फिर भी रुनझुन पांडे के बारे में संजय पांडे कहते हैं कि जब भी मैं पर्दे पर हीरो के हाथ पीटता हूँ तो रुनझुन को जरा भी अच्छा नहीं लगता और वो वहाँ से हट जाती है। इस बात को मैं बखूबी महसूस कर सकता हूँ कि बच्चों को जरा भी नहीं अच्छा लगता कि उनके पिता को कोई पीटे या कोई मारे, फिर वो चाहे फिल्मी पर्दे पर ही क्यों न हो। रुनझुन पांडे और संजय पांडे की स्पेशल बॉन्डिंग है। रुनझुन पांडे जब भी स्कूल जाती हैं और अगर संजय पांडे मुंबई में ही हैं, वो स्कूल पे उन्हें पिक और ड्रॉप दोनों करते हैं। जी हाँ, उनका पिक और ड्रॉप दोनों संजय पांडे ही करते हैं। रुनझुन पांडे को स्कूल से पिकअप करते हुए संजय पांडे उनके साथ आइसक्रीम खाना बिल्कुल नहीं भूलते। जी हाँ, रुनझुन पांडे को आइसक्रीम बहुत पसंद है, इसलिए रुनझुन पांडे के लिए ही जब भी संजय पांडे उन्हें स्कूल से लेने जाते हैं तो आइसक्रीम जरूर खाते हैं। वैसे रुनझुन पांडे संजय पांडे के लिए काफी स्पेशल है। भले ही संजय पांडे अपने शूटिंग के सिलसिले में शहर से बाहर हो, लेकिन रुनझुन पांडे की खबर लेना वो बिल्कुल नहीं भूलते। संजय पांडे बखूबी जान रहे हैं कि उनकी बेटी धीरे धीरे बड़ी हो रही है और उस बड़े होने के माहौल में उन्हें किस तरह का माहौल उन्हें देना है ये उन्हें बखूबी पता है। इसलिए इस वक्त जब संजय पांडे की बेटी रुनझुन पांडे धीरे धीरे टीनेजर एज में आ रही हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त संजय पांडे रुनझुन पांडे के साथ बिताना चाहते हैं, क्योंकि संजय पांडे ये जानते हैं कि ये वही एज है जहां बच्चे बनते और बिगड़ते दोनों हैं। वैसे रुनझुन पांडे संजय पांडे और रागिनी पांडे की इकलौती संतान है और रुनझुन पांडे को लेकर ये दोनों बहुत प्रोटेक्टिव हैं। यकीन है आपको हमारा ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। भोजपुरी जगत की हॉट और मसालेदार गॉसिप के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।